हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह। एक बार मेरे पास ये ओनिडा का एक 32 इंच का एलसीडी आया हुआ था, जिसमें बैक लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी। सीएफएल सर्किट वर्किंग नहीं कर रहा था, बार बार कोटेशन में चला जा रहा था। तो इसको मैंने, ये इसका सर्किट है, ये देखिए, जिसका सीएफएल सर्किट था, ये मैंने निकाल दिया। ऐसा कोटेशन तो रिमूव कर दिया मैंने, ये इसका ये प्रोटेक्शन रिमूव कर दिया था। इसके पिन नंबर 14 पे एसआई के सी के और 47 के का रेजिस्टेंस लगा के प्रोटेक्शन मूव किया, लेकिन इस ये जो ड्राइवर था इसके अंदर से शॉर्ट हो गया, इसके कारण ये प्रोटेक्शन में जा रहा था। इसको मैंने अलग करके इसमें इसको अलग निकाल दिया, इसको अलग निकाल दिया मैंने अलग करके। इसमें मैंने एलईडी जो आती थी, छोटी एलईडी आती थी, उसको मैंने लगाया और इसके सीएफएल राड मैंने ये निकाल के, ये देखिए सीएफएल राड मैंने निकाल के अलग रख दिए थे, वो लगाया, लेकिन बढ़िया चल तो रहा है। आपको चला के दिखाता हूँ। लेकिन कस्टमर लाइट जो बैक लाइट था वो कम आ रहा है। मैं अब इसको ऑन करता हूँ, देखिए ये देखिए, ये मैंने ऑन किया, ग्लो हुआ। ये एलईडी भी लगाई थी जो मैंने छोटी वाली, अंदर से ऑन हो गई। एलईडी जो मैंने लगाई थी इसमें, वो लगाई थी क्या बोलते हैं अपनी, वो बाज़ार में मिलती थी। ये देखिए पिक्चर तो ऑन हो के आने लगा, लेकिन इसका जो बैक लाइट था वो कम आ रहा था, इसलिए इसमें अब मैं यूएसबी एलईडी होता है वो लगाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ उसको लगा के कमेंट करता हूँ कि इसमें लाइट किस तरह बनता है, सही होता है। हाय दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने टीवी खोल लिया है, इसमें मैंने ये वाली एलईडी है लगाई थी, ये जल तो रही है बढ़िया, लेकिन उतना लाइट नहीं दे पा रही जितना बैक कवर पे आना चाहिए। चाहे तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये जला के दिखाऊँ, लेकिन मुश्किल है, मैंने सेट खोल लिया हूँ। हाँ, मुश्किल लगता है कि मैं आपको जला के दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, रुकिए दो मिनट। चलिए दोस्तों, ये मैं अब कर लिया हूँ कनेक्शन, और ये वायर है इसका केबल का, ये मैं इसको यहाँ बोर्ड में लगा के ये मैंने ऑन किया, ये इस तरह ये ऑन हो जा रहा है, लेकिन जितना लाइट चाहिए ना बैक लाइट उतना नहीं आ रहा था। इसको लगाने से स्पॉट नहीं बन रहे थे, लेकिन वो जो एलईडी लगाई जाएगी उस पर स्पॉट तो बनता है। ये एलईडी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कौन सी वाली एलईडी, मैं अब इस पर ये वाली बैक लाइट लगाऊंगा, इससे इसका स्पॉट भी अच्छा बनेगा, लाइट भी बहुत तेज आएगा इस पर, कोशिश रहेगी, लेकिन स्पॉट ज़रूर बनेंगे। उसमें स्पॉट नहीं बन रहे थे, कोशिश करूँगा इसको नहीं बने। चलिए इसको निकालता हूँ, फिर रिमूव करके आपको दिखाऊंगा कि लगा के कैसे मैंने ये लगाया। हाय दोस्तों, ये देखिए, मैंने ये जो है ये एलईडी लगा चुका हूँ, इनको चुनी में बना के, और ये एलईडी पूरी मैंने ये लगा दी मैंने इसमें, देखिए ठीक है। जब मैं ये टेस्टर है, पहले ये मल्टी टेस्टर सुपर टेस्टर एलईडी टेस्टर है, इसमें कभी रहा था वीडियो बनाऊंगा टाइम मिला तो। ये देखिए मैंने लगा दी, और ये मैंने सीरीज में बना दिया हुआ, देखिए। तो मैं इसको यहाँ सीरीज में लगा के और आपको चला के दिखाता हूँ जला के, कि अभी कितने वोल्ट ये एलईडी जो है ले रही है। ये इसका यहाँ क्या, तो मैं यहाँ लगा दूँ वहाँ लगा दूँ, ये देखिए, ये मैंने इसको अटैच किया, ये देखिए लगभग 60 वोल्ट ले रही है एलईडी। ये 60 वोल्ट ले रही है, मैं टेस्टर लगा के रखा हुआ हूँ, चलिए अब मैं इसमें इन्वर्टर सर्किट लगाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये किस तरह वर्किंग करेगा और क्या दिख होगा, ठीक है सर। दोस्तों देखिए, ये मैंने मॉड्यूलर लगा दिया है इसमें, और इसमें ये सप्लाई से ही 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट माइनस, ये सप्लाई है ये इनसे लिखी हुई है,
ये यहाँ से निकाल ली थी मैंने, और ये बोर्ड से इसका ऑन ऑफ कनेक्शन लिया हुआ है। ये देखिए, ये जो आया हुआ है ये वाला पॉइंट, जो ये यहाँ से ये 5 वोल्ट ऑन ऑफ है, इसको आगे यहाँ दिया। ये LED लगा के मैंने कंप्लीट कर दी थी, कनेक्शन निकाल ली थी, ये आपको बताया था मैंने। ये देखिए, अब मैं इसको ऑन करके आपको देखता हूँ। पहले मैं TV को ऑन करता हूँ, देखता हूँ। मैंने ऑन कर दिया हूँ, यह देखिए सब कनेक्शन निकाल दिया था मैंने। ऑन करेगा स्टेनवाइज, ये देखिए जस्ट ऑन होने लगा है, ये ऑन हो गया। लाइट भी तेज आ रहा है, और ये देखिए ब्रेक लाइट, ये इन्वर्टर बराबर काम कर रहा है। लगभग इस पे मीटर से अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो 12 वोल्ट दिया हूँ मैंने इसमें, तो लगभग 80 वोल्ट इसके ऊपर सप्लाई बन रही है। देखिए मेरा मीटर, इसको ग्राउंड दूँ अगर देखिए, लगभग वोल्टेज जो आ रहे हैं, सॉरी इसके लिए सॉरी बोलूँगा, थोड़ा सा अकेले ही हूँ, अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, कोई नहीं रहता है मेरे साथ। ये देखिए, ये मैंने फोर्ड लगाया और 77 वोल्ट बराबर आ रहे हैं इसके ऊपर, और 12 वोल्ट से दे देखिए, थोड़ा सा वो चमक रहा है, प्रॉपर LED वर्किंग कर रही है। हीट तो खा रहा है, कुछ काम कर रही है। अब मैं इसमें आपको पैनल अटैच करके फिर दिखाऊंगा कि क्या कैसी पिक्चर आ रही है, क्या आ रहा है। दोस्तों देखिए, ये मैंने पूरा पैक कर लिया हूँ, ठीक है, बिल्कुल डॉट कम से कम नहीं के वहाँ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है, कितना शानदार आ रहा है। कई कई इसमें बहुत ज़्यादा डॉट दिखते हैं, लेकिन मैंने कुछ लाइट को उस तरह से मॉडिफाई किया है, कितना बढ़िया हुआ देखिए। और इस पर ये मैंने आपको बताया ही था कि ये मैंने सर्किट लगाया हुआ था, देखिए फर्स्ट क्लास। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। थैंक यू।